हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, या इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है। आप इसको साड़ी और चुन्नी या फिर मैक्रम से भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 36 फंदे लिए हुए हैं। और देखिए, इसमें मैं रैबिट वाली डिजाइन डालूंगी। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं इसमें इस तरीके से चोटी वाली डिजाइन डालूंगी। एक फंदा मैंने ग्रीन बुन लिया, उसके बाद देखिए यहाँ से हम रेड कलर लगा लेंगे। एक रेड बुनेंगे, इसको इधर करेंगे, एक ग्रीन, वापस देखिए इसको इधर, एक रेड। यहाँ पे आप लाइनिंग भी डाल सकते हैं, तो आप जो अच्छा लगे वो आप डाल लीजिए। तो मैं इसी तरीके से ये रो पूरी बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए, यहाँ से जो रेड है उसको हम रेड बुनेंगे ऐसे। और देखिए, ये धागे ट्विस्ट हो गए हैं, अनट्विस्ट हो जाएंगे इस तरह से आप बनाएंगे जब ऐसे। ये देखिए, इसको इधर करते जाएंगे, ये अपने आप धागे सही हो जाएंगे आगे तक। जो रेड है उसको हम रेड से बुनते जाएंगे, ग्रीन है उसको ग्रीन से, और इस धागे को ऐसे इधर को करते जाएंगे आगे को। ये धागा ऐसे आगे रहना चाहिए, और इसको आपको खींच के नहीं बुनना है, लूज ही बुनना है, तभी आपकी चोटी उभर के आएगी। ये देखिए, इधर से कंप्लीट कर ली। अब देखिए, यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे और ग्रीन से बुनेंगे सभी फंदे। इधर से एक रो उल्टी और एक उधर से बना के कंप्लीट करती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से सभी फंदे बना लेते हैं। ये देखिए, रो कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ से रैबिट डालूंगी, तो एक फंदा उतार लिया, और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 8 फंदे मैंने ये ग्रीन बुन लिए। अब मैं यहाँ से वाइट कलर लगाऊंगी रैबिट के लिए। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस धागे को ऐसे 6, 7, 8, ये देखिए 8 फंदे मैंने वाइट बुन लिए। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 फंदे ग्रीन, और फिर मैं 4 फंदे वाइट बुनूंगी इस रो में। 2, 3, 4, और देखिए अब मैं यहाँ से एक फंदा आगे से बनाऊंगी और यहीं से पलट लूंगी इसको ऐसे। और यहाँ से देखिए, जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको आगे लाएंगे, और इसको खींचना नहीं है धागे को। अब ये रो कंप्लीट करते हैं। रो देखिए कंप्लीट हो गई। अब देखिए, यहाँ से एक फंदा उतार लिया मैंने, और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7 फंदे बुने, एक फंदा ये ग्रीन वाला वाइट से इधर को। उसके बाद हम ऐसे बना लेंगे इसको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 8 मैंने बुने, और एक ये वाला ऐसे ग्रीन, ये देखिए ऐसे। और ये वाले 2 फंदे हम इधर के वाइट बुन लेंगे। ये देखिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बुने, तो ये 5 फंदे हो गए, एक ये वाला इधर का ग्रीन से, और एक ये, और एक आगे से ले लेंगे। आप देखिए, यहाँ से ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये रो कंप्लीट करके अब मैं फिर से उल्टे तरफ से आ गई हूँ। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये देखिए, अभी पिछली रो में मैंने एक फंदा इधर से लिया था, अब मैं इस रो में 2 फंदे लूंगी, 1 और 2, और यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगी। इस धागे को ऐसे रखते जाएंगे, और देखिए एक फंदा ये वाला यहाँ पे ग्रीन वाला ऐसे इधर को कर लेंगे, एक ये बुन लेंगे, और ये वाला ऐसे बाइट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया। अब ये वाला फंदा ग्रीन यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो जैसे हम बना रहे हैं अभी वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा सिर्फ आगे से लेते जाएंगे,
और ये रो सीधी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये रो कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ से एक फंदा फिर से उतारूंगी और देखिए 2 3 4 चार फंदे बुने, एक इधर से ग्रीन ले लिया ऐसे। इसको इधर करेंगे, धागे को हम ऐसे ही रखेंगे, नहीं तो ये खिंचा खिंचा हो जाएगा रैबिट आपका, तो आपको ऐसे ही रखना है और लूज रखना है चाहे जिससे भी आप बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे हो गई। अब मैं इनको बाइट बना लूंगी, ये देखिए इस तरह से इस धागे को ऐसे करके कंप्लीट करते जाएंगे। और देखिए यहाँ से एक फंदा ये इधर को कर लिया मैंने, उसके बाद इस तरह से एक आगे से ले लेंगे और यहीं से पलट लेंगे और इस रो में देखिए ऐसे बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस रो में यहाँ से हम ऐसे ही बुनेंगे और देखिए ये वाले फंदे अब इस रो में ऐसे ही बुन लेंगे जो जैसा है इस साइड। इनको सिंपल बुनना है ऐसे, इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे यहाँ तक। देखिए मैंने बना लिया और इस धागे को ऐसे फिर से रखेंगे और एक फंदा ये वाला अब मैं इस साइड को देखिए आगे के साइड को मैं एक फंदा ये वाइट बनाऊंगी, उसके बाद जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। एक फंदा आगे से ले लिया, यहीं से पलट के ये रो पूरी कंप्लीट कर। ये देखिए यहाँ से अब मैं एक फंदा उतारूंगी और देखिए इस तरह से यहाँ तक बुने, एक फंदा वाइट वाला ग्रीन बना लूंगी ऐसे। उसके बाद देखिए लास्ट तक बनाते हैं इसको ऐसे ही वाइट से। यहां से इसको ऐसे रखते जाएंगे बनाते जाएंगे। ये देखिए एक फंदा ग्रीन से, ग्रीन वाला बाइट से। उसके बाद हम जो जैसे बना रहे हैं इसको बनाते हुए ये रो कंप्लीट। ये देखिए यहाँ से मैं एक फंदा फिर से उतार लूंगी और देखिए 2 3 4 5 इस रो में फिर से 5 ही फंदे बुनूंगी और जहाँ से बाइट है उसको हम बाइट ही बुनूंगी और आगे आगे एक फंदा हम फिर से बाइट का बढ़ा लेंगे। ये देखिए बढ़ा लिया, उसके बाद हम जो जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फिर से एक फंदा उतारेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए दो रो में मैंने कोई फंदा नहीं किया। अब देखिए एक फंदा मैं इस तरह से ग्रीन का कर लूंगी, उसके बाद यहाँ पे जो जैसे बना रही हूँ उसको मैं अभी वैसे ही बनाऊंगी। ऐसे इसको हम ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। आप देखिए अभी मैं इधर से एक फंदा ले रही थी, अब मैं ये वाला फंदा ग्रीन वाला वाइट वाला ग्रीन से बना लूंगी अंदर के साइड को और यहां से जो जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा आगे से लेके ये रो कंप्लीट। अब देखिए फिर से उल्टे तरफ आ गए तो अब मैं इस रो में फिर से मैं उसी तरीके से बना लूंगी, कोई फंदा नहीं, एक में मैंने ये कर लिया था, उसके बाद आगे तक बनाऊंगी। ये देखिए अभी मैं इस तरीके से एक फंदा और इधर को ग्रीन कर लूंगी ऐसे, ये देखिए ऐसे आ जाएगा। आगे से एक फंदा लेके ये रो कंप्लीट कर। अब देखिए यहां से
एक फंदा उतारूंगी और इस रो में देखिए एक फंदा। अब मैं फिर से इधर से ये बाइट बना लूंगी, उसके बाद देखिए बाइट वाला ग्रीन से बना लिया। लास्ट में देखिए लास्ट तक बनाएंगे ऐसे ही इसको जैसे बना रहे हैं। ये देखिए अभी मैं इधर को बना रही थी, दो फंदे कर रहे थे, अब मैं आगे को एक फंदा ग्रीन कर लूंगे, उसके बाद इसको हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहां से मैंने एक फंदा फिर से उतार लिया, उसके बाद देखिए ये देखिए यहां तक बनाए और मैं अब मैं इस रो में दो फंदे बाइट वाले ग्रीन से बुन लेंगे, उसके बाद जो जैसा है उसको हम अभी ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा आगे से कर लेंगे, ये देखिए यहां तक बना लिया, उसके बाद एक फंदा ये ग्रीन ले लिया आगे से। अब मैं यहां से जैसे बना रही हूं वैसे बनाते हुए कंप्लीट करती हूं। ये देखिए यहां से ये रो कंप्लीट कर दी। आप देखिए यहां से इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ फंदे बुन लिए, 6 इसमें से बुनूंगी अब मैं ग्रीन में से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह बनाने के बाद उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए यहाँ पे एक आगे से ऐसे ये 10। उसके बाद हम यहाँ से जो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ तक बना लिए मैंने फंदे, अब देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे इसको और देखिए 1, 2, 3, 4 चार फंदे इधर बुने और दो देखिए इससे रेड से बुनेंगे आई के लिए। ये देखिए इसकी आंख बनाएंगे, दो फंदे बना लिए और देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये देखिए इधर से अब मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, ऐसे ही बनाएंगे इसको और आगे तक इसको बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ये रो कंप्लीट हो गई, ये वाले उल्टे बुन लिए मैंने। अब इधर से एक फंदा मैं इधर को बाइट वाला बनाऊंगी ऐसे और देखिए यहाँ से इनको मैं रेड वालों को सभी को बाइट बना दूंगी। ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ तक बनाए मैंने और इस रो में एक फंदा ये मैं इधर का ग्रीन बना लूंगी और देखिए यहाँ पे पूरे फंदे हो गए हमारे। अब मैं दो दो फंदे छोड़ना स्टार्ट करूंगी, अब मैं इसका कान बनाऊंगी इधर को ईयर। अब मैं यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते हुए इधर से बनाऊंगी। ये देखिए ये रो कंप्लीट करके यहाँ तक उल्टे बना लिए। अब देखिए ये तीन फंदे हम बाइट से बनाएंगे इधर को। ये देखिए पहले मैंने एक बनाया था इधर से, अब मैं तीन बना रही हूं और देखिए यहां से इसको ऐसे आगे से हम एक फंदा इससे बनाएंगे ग्रीन से वाइट वाला और देखिए यहां से अब मैं दो फंदे छोड़ते हुए आऊंगी। ये देखिए यहां से रो कंप्लीट करके ये देखिए यहां तक बना लिए। अब देखिए इस रो में दो फंदे इधर से वाइट की ओर बना लेंगे, उसके बाद यहां से देखिए ये देखिए यहां तक अब दो फंदे इधर से वाइट वाले ग्रीन बना लिए और यहाँ पे आगे जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए रो कंप्लीट करके यहां तक बना लिया। अब मैं एक फंदा इधर से ऐसे एक और ले लिया मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए यहाँ पे आठ फंदे मैंने बाइट बुन लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2, 4, 5 फंदे मैं ये ग्रीन बना दूंगी।
ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हम आगे से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लूँगी और देखिए 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंदे बुने, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन फंदे मैंने इसे ग्रीन से बुन लिए। उसके बाद ये वाले फंदे ऐसे ये देखिए ये बना लिए। अब मैं यहाँ से ग्रीन लगा के और आगे से 2 फंदे छोड़ के इसको कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए इधर से रो कंप्लीट करके, अब देखिए इसमें 2 फंदे ये इधर से वाइट और बनाऊंगी मैं ऐसे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे ये 2 फंदे इधर के वाइट ग्रीन से बना लूंगी। आगे मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट, ये देखिए यहाँ से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 5 × 10 2-2 करके फंदे छोड़े हैं, एक एक पहले छोड़ा जब यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद मैंने 2-2 छोड़ दिए। अब इस रो में सभी फंदे बना लूंगी मैं ग्रीन से, एक रो इधर से और एक उधर से, 2 रो बनाऊंगी, उसके बाद मैं अगली कली फिर से स्टार्ट करूंगी। ये देखिए ये रैबिट बन के कम्प्लीट हो गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मैं बना लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए इसके बाद मैं फिर से छोटी वाली डिजाइन डालूंगी और अगला रैबिट डालूंगी, एक कली बनके कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपको पूरा राउंड में बनाना है और यहाँ पे इसको इतना सिलना है, एक ज्वाइंट आएगा इसमें, और ये बना के इस तरह से कम्प्लीट कर लीजिए आप भी।